डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर मटेरियल हैंडलिंग में इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने मटेरियल हैंडलिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट पिछले जो है लेक्चर में हमने बताया था, जस्ट इसी के ऊपर लेक्चर नंबर 41 इस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड ये सब के तो बताए ही थे। ऑब्जेक्टिव, हम क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग क्या है, मतलब जो है व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर्स फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल मटेरियल हैंडलिंग, है ना। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कोई फैक्ट्री है, फिर से एक बार बता देते हैं, बाद की जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर आपका कोई फैक्ट्री है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, आपकी फैक्ट्री है। अब यहाँ फैक्ट्री में जो है दुनिया भर की मशीनें हैं और फैक्ट्री आप देखते होंगे कई कई किलोमीटर में होते हैं, मीटर और ये सब क्या बहुत जो है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो, और यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है और इधर जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है और मार्केट से आपके घरों तक जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमने कंसिडरेशन लिया था इस फैक्ट्री का लिया है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है ना, आप इंडस्ट्री में देखते भी होंगे, ये फ्रिक्वेंटली हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं कि मटेरियल के मूवमेंट होता है एक मशीन से दूसरे मशीन पर, फिर अंदर ही क्रेन लगे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, जैसा कि एनिमेटेड वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो वहाँ पर ये सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, कौन कौन से, इंजीनियरिंग अर्थात टेक्निकल फैक्टर, इसको बेसिकली हम सिर्फ इंजीनियरिंग न लिख करके इसको हम लिखते हैं टेक्निकल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर, और टेक्निकल के साथ साथ इकोनॉमिक्स अर्थात कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर आदमी चाहता है कम से कम कीमत में बेहतर चीजें मिल जाए, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज है, एक जो है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन है, मतलब ये टेम्पोररी नहीं होता, जिस समय फैक्ट्री बन रही है उसी समय मटेरियल हैंडलिंग की जो भी पाथ है, जो भी रूट है, दैट आर बीइंग डिसाइडेड, वो पहले डिसाइड हो जाता है, आपको उसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो ये फैक्टर्स आप जो है थोड़ा एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है ना। ये फैक्टर्स जो है, सबसे पहला यदि हम फैक्टर यदि बात करें तो पहला फैक्टर्स होता है प्लांट रिलेटेड, क्या, प्लांट रिलेटेड, ये मैं एक एक करके लिख भी दूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट में आपको समझा भी दूंगा। प्लांट रिलेटेड का मतलब ये होता है कि जो आपका पाथ है, ठीक है ना, वो परमानेंट करना है, क्योंकि सब दिन यदि जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको परमानेंट बनाना पड़ेगा, कुछ दिनों की बात है तो आप टेम्प्रोरी जो है पाथ जो है आप कॉल कर लीजिए, या जो है रेड कार्पेट बिछवा लीजिए, वो भी चल जाएगा, ठीक है ना, टेम्प्रोरी के लिए बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, ठीक है ना, या प्लांट लेआउट की बात करें, तो आपको लेआउट जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेआउट ये प्लांट रिलेटेड जो है एक्टिविटी है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेस जो है आपका, ठीक है ना, प्रोसेस हो या जो फ्लो टाइप है, ठीक है ना, या एसले जिसको छज्जा बोलते हैं, जैसे दीवार है इसके जो एसले निकले होते हैं इस पे सामान रखने के लिए, ठीक है ना, ये आप उसी समय आप बनवाते हैं, ठीक है ना, चाहे आपका ट्रैक हो, ठीक है ना, या फ्लोर हो, ठीक है ना, या जो है आपका जो है एसलेस हो जिसको छज्जी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, या कोई पैसेज हो, ठीक है ना, क्या हो, पैसेज, पानी निकलने का ही पैसेज आपको मान लीजिए चाहिए, तो सामान निकलने के लिए भी पैसेज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो
तो ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पर जो है कन्वीनियंस तरीके से ठीक ना जो है आपका ये सेफ हो ठीक ना, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो और प्रोडक्शन प्रोसेस भी आपका स्मूथ रहे, ये सब सोच करके आप जो है ये चीज़ों को बनवाते हैं ठीक ना। उसके बाद आपको देखना है कि जो फ्लोर होता है ठीक ना, अब घरों में टाइल्स आप लगवा रहे हैं या संगमरमर लगवा रहे हैं या सिंपल प्लास्टर करवा रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर। अब आजकल लोग नीड नहीं देखते हैं बल्कि फैशन देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में नीड देखनी पड़ती है। तो आपका फ्लोर लेवल जो है, फ्लोर की लेवलिंग कैसे आप कर रहे हैं, फ्लोर लेवल्स आपको देखना पड़ेगा। फिर वो स्मूथ करेंगे तो फिसलने का डर रहेगा ठीक ना, जहाँ आइलिंग ग्रीसिंग बराबर होते रहता है वहाँ पर यदि आप बहुत स्मूथ कर देंगे ठीक ना, तो क्या होगा, फिसलन और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। तो आपको देखना है मोड ठीक ना। फिर उसी तरह से कोरोजन ठीक ना, किस तरह का क्लाइमेट जो है इंडस्ट्री के अंदर है ठीक ना, कोरोजिव मटेरियल तो नहीं है ठीक ना, जैसे हाई टेम्परेचर वाली कोई काम हो रहा है ठीक ना, तो आप ऐसा तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं करेंगे ना दीवार में कि हाई टेम्परेचर के चलते वो ख़राब हो जाए। तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि कम से कम पेंटिंग ऐसा करें कि वह हाई टेम्परेचर जो है विथ स्टैंड कर ले ठीक ना। फिर आपको ये भी प्लांट रिलेटेड ही सोचना है कि लोड ठीक ना, लोड किस तरह का लगता है, ज़्यादा लोड लगेगा तो दीवार ठीक ना। लोड के साथ साथ एक और टर्म हम लिख देते हैं, वाइब्रेशन ठीक ना, कोई मशीन चल रही है जिसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वाइब्रेशन के लिए आपको डैम्पर यूज करना पड़ेगा ठीक ना, करना है कि नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा कि फ्लोर खराब हो जाएगा, आसपास का दीवार भी खराब हो जाएगा ठीक ना। वाइब्रेशन से जो है हेडेक भी होने लगता है वर्कर को ठीक ना, चिड़चिड़ापन की बीमारी आ जाती है ठीक ना। इसके साथ ही ओवरहेड आपको देखना है, ओवरहेड मतलब कोई इंडस्ट्री है तो फ्लोर और छत के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है ठीक ना, इसके बीच में एसल्स रखना है या नहीं रखना है ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है, जो पब्लिक इसके अंदर मूवमेंट लेगी तो कहीं टकराए नहीं, क्लियरेंस होना चाहिए ठीक ना, स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग होना चाहिए ठीक ना, स्ट्रांग स्ट्रक्चर होना चाहिए ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, किसमें, प्लांट रिलेटेड। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हमने जो अभी दिमाग में आया वो हमने आपको बताए। तो ये जो है कब आपको करना है, जिस समय प्लांट बन रहा है उसी समय ये सारे पॉइंट्स सोच लेने हैं ठीक ना। तो ये प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स है ठीक ना। इसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग रिलेटेड फैक्टर्स कुछ होंगे ठीक ना, कंसर्न विद द मटेरियल हैंडलिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ठीक है ना। अब मटेरियल हैंडलिंग जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से फैक्टर होंगे, अब ये आपको सोचना है ठीक ना, कि कैसा पार्ट्स है या कौन सा मटेरियल है ठीक ना। अब मटेरियल में ये भी देखना है आपको कि सॉलिड है, लिक्विड है, तीनों को हैंडल अलग अलग तरीके से करेंगे ना, गैस है या लिक्विड की जगह सेमी लिक्विड रहता है, सेमी लिक्विड समझ रहे हैं ना, जैसे शहद है वो लिक्विड में नहीं आता है, सेमी लिक्विड में आता है, घी है ठीक ना, ग्रीस है ठीक ना, ये सब जो है। फिर आपको पार्ट्स जो है क्या है ध्यान देना है ठीक ना, कि लार्ज है या सेमी लार्ज है या स्मॉल छोटे छोटे पीस हैं ठीक ना, तो उसको पैकेट में करना पड़ेगा ठीक ना। मटेरियल जो है हेवी है कि लाइट है, ये भी देख ध्यान देना है ठीक ना, कि हेवी है या लाइट है, जैसे रुई है या गद्दा है ठीक ना, वो तो लार्ज होगा लेकिन लाइट होगा ठीक ना। मटेरियल आपका फ्रेगाइल है या रफ एंड टफ है, किस तरह का मटेरियल है ठीक ना, फ्रेगाइल है या रफ एंड टफ है, रफ एंड टफ है या कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है, सोफिस्टिकेटेड मटेरियल है, जैसे कांच का कोई मटेरियल है तो ऑब्वियसली जो है
जो है उसी तरह से सेप भी आप देखेंगे तो सेप सेप में जो है आपका रेगुलर सेप है या ओड इवन सेप है, ठीक है, सिमिलर सेप है जैसे ब्लॉक है, सिंपल ब्लॉक है, तो ये आसानी से जो है इंस्टॉल मतलब ट्रक में या जो भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है आपका उसमें आसानी से रह सकता है। लेकिन यदि कोई स्क्वायर में है, कोई ट्रेंगुलर शेप का है तो फिर दिक्कत जाती है, ठीक है ना। उसमें फिर आपको देखना है कि आपको सेपरेट जो है उसको ले जाना है या साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान देना है कि कंटेनर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये कुछ चीज़ें कंटेनर में भी जाती हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना, और क्वालिटी भी आपको देखना है। ऐसा तो नहीं कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाए, ख़राब हो जाए, आप अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे। जैसे सब्जी है, ठीक है ना, टमाटर है, तो टमाटर के लिए आप देखते हैं ना कैसे ले करके जाते हैं, टमाटर के लिए वो कैरेट बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक वाली कैरेट होती है ना, इस कैरेट में 10-10 किलो का एक वो बना करके ले जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो पिचक जाएगा। आम है, ठीक है ना, तो आम भी किस में जाएगा, कैरेट में जाएगा, क्योंकि जो लोड आएगा दूसरे कैरेट का, इसके ऊपर दूसरा कैरेट रख देंगे तो कैरेट का लोड आएगा, ना कि आम का लोड आम के ऊपर रहेगा, ठीक है ना, तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपको फ्लो भी देखना है कि फ्लो जो है कंटिन्यूस है या इंटर इंटरमिटेंट है, ठीक है ना, इंटरमिटेंट है। डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगना है, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगना है, ठीक है ना। और भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, जो मोटा मोटी पॉइंट्स हैं वो हमने आपको लिख दिए, ठीक है ना। उसके ये मटेरियल हैंडलिंग के रिलेटेड था, अब ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, जो मटेरियल इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होंगे उनका जो है क्या कंसिडरेशन होगा, तो किस टाइप का जो है, अब इसमें आपको सोचना है कि किस टाइप का इक्विपमेंट सुटेबल होगा, ठीक है ना। सुटेबिलिटी ऑफ लिटी ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, जो पर्टिकुलर ट्रक से जाएगा, या ट्रक में भी आप देखे होंगे कई तरह के ट्रक होते हैं, ठीक है ना, कितनी कैपेसिटी आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, कैपेसिटी इज आल्सो, ठीक है ना, डेली ले जाना है या वीकली ले जाना है, साइज स्पेसिफिकेशन स्पेस, ये सब जो है आपको जरूरत पड़ेगी, साइज स्पेस, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे ना कि उसके ऊपर पट्टी लगी रहती है कि हैंडल विथ केयर, तो किस तरह से केयर करना है, तो उसका डिटेल दिया रहता है, उसी को हम लोग स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे मन वैसे नहीं लेकर के जाना है, ठीक है ना। स्पीड, ठीक है ना, स्पीड एंड ईज ऑफ ऑपरेशन, ईज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, कि आसानी से मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ठीक है ना। पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, पावर रिक्वायरमेंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि कोई ऐसा मटेरियल आप लेकर के जा रहे हैं, कोई ऐसा आइटम लेकर के जा रहे हैं जो आपको क्या बोलते हैं फ्रिज में लेकर के जाना है, तो पावर की जरूरत पड़ेगी, बिना पावर के कैसे लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। फिर ड्यूरेबिलिटी, कि विद इन टाइम डिलीवरी टाइम, दैट इज दी वेरी इम्पोर्टेंट। डिपेंडेबिलिटी, आपकी डिपेंडेबिलिटी कैसी है, किस मटेरियल के ऊपर है, ठीक है ना, ये सब बहुत फैक्टर काम करते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं इसके साथ कोई और एक्जुलरी इक्विपमेंट तो जरूरत नहीं पड़ती है, एक्जुलरी इक्विपमेंट, ठीक है ना, एक्जुलरी इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। ये क्या है, मटेरियल हैंडलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो है, और
अब जो है इसी तरह से कॉस्ट फैक्टर, चौथा फैक्टर जो हम लिखे हैं, तो कॉस्ट फैक्टर या इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी और कॉस्ट फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हर जगह तो पैसा ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आजकल दुनिया में क्या है कि बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, इनिशियल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, फिर कॉस्ट ऑफ क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, यदि इंस्टॉलेशन वाला कुछ है, या रीअरेंजमेंट करना है, या जो मार्केट में मिलता है एज इट इज आपको यूज नहीं होता, उसमें कुछ अल्टरेशन करना पड़ता है, अल्टरेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। और बिल्डिंग वगैरह जो है इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन की, या बिल्डिंग मतलब क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग किस लिए कि आप जो भी इक्विपमेंट लेंगे, ठीक है ना, उसको रखेंगे कहाँ, या आपका इन्वेंट्री है, आइटम है, ठीक है ना। फिर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना। फिर कॉस्ट ऑफ पावर चलाने के लिए जो है फ्यूल या जो है जो भी आप यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ पावर, ठीक है ना। रेट जो है इसको क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट या डेप्रिसिएशन कॉस्ट, या रिसाइकिल या रीयूज या रीसेल, जो भी आप बोल लें, ठीक है ना, कि आज से 10 साल तक हम इसको यूज किए, उसके बाद जब इसको सेल आउट करेंगे तो हमें कितना कॉस्ट मिलेगा, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग सेल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, यदि स्क्रैप में भेजते हैं इसको तो व्हाट इज दिस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है ना, सेल्वेज वैल्यू कितना हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। जो है एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट किए उसके ऊपर कितना रिटर्न आएगा, ठीक है ना। जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, यदि आप नहीं भी चला रहे हैं तो इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, साल में एक बार सर्विस कराना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ और अदर टैक्सेस हैं वो देना पड़ेगा, जैसे कोई आपकी टैक्सी है तो उसके लाइसेंस फी होते हैं, तो लाइसेंस तो फी तो आपको साल में रिन्यू कराना पड़ेगा ना, भले आप चलाएं या नहीं चलाएं, ठीक है ना। इंश्योरेंस चार्जेस तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना, तो ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है ना। यदि आप जो है उसको रखने के लिए कहीं पर रेंट पे स्पेस लिए हैं तो रेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ सुपरविजन भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, ठीक है ना। उसके अलावा जो है जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, उसमें जो आप मटेरियल यूज करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे, ठीक है ना, वहाँ भी जो है आपको क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डेंटिंग पेंटिंग, ठीक है ना, आपको कराना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कंसीडर, दीज आर द फैक्टर्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स अभी हमने आपको बताया कि एक तो प्लांट रिलेटेड फैक्टर हो गया, फैक्टर्स रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है ना, इसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स और इकोनॉमिक फैक्टर। तो आप ध्यान देंगे तो ये जो चार फैक्टर्स हुए सब इंजीनियरिंग के फैक्टर हैं, प्लांट रिलेटेड हो गया, चाहे आपका मटेरियल हैंडलिंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, और जो ये चौथा फैक्टर है वह क्या है, इकोनॉमिक्स माने कॉस्ट रिलेटेड। और इन सब चारों से ही मिलता जुलता एक अब फैक्टर आएगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, जो अब आप डिसाइड करेंगे इन चारों के बेसिस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लें, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। कौन, तो प्रिंसिपल मतलब हर चीज का एक सिद्धांत होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक उसका यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट
आपको कंसीडर करना होता है वो पॉइंट क्या क्या कंसीडर करना है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यदि देखें तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम शुड बी एबल टू मूव एंड स्टोर द मटेरियल इफेक्टिवली विद इन द मिनिमम टाइम विथ मिनिमम एफर्ट। मैं लिख देता हूँ जो है should be able to handle material effectively within minimum time, minimum cost, within minimum cost, ठीक है ना, maximum safety, ये सब आपके principle में आएंगे, ठीक है ना। shortest time हमने बता दिए आपको, ठीक है ना, safety, ठीक है ना, और सबसे important है मिनिमम एफर्ट, वर्कर का एफर्ट कम से कम लगे, ठीक है ना। हर आदमी चाहता है कम से कम मेहनत करना पड़े, इसीलिए तो वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट खरीद रहा है या मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर जो है इतना बड़ा रिसर्च कर रहा है या हम वीडियो बना रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में ये चीज़ें दी गई है। तो इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है जो वन बाई वन करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटेनराइजेशन, ठीक है ना, प्लेटलाइजेशन, ठीक है ना, कि कंटेनर में ले जाना है, ठीक है ना, या प्लेट में लेकर के जाना है या ऐसे ही जैसे तैसे लेकर के जा सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें आपको, या एग्रीगेट या लार्ज साइज है स्मॉल साइज है, ठीक है ना, ये लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी हमने इसका बहुत डिटेल बताया था, ठीक है ना, पॉइंट लोड है, यूनिट लोड है, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये सब चीज़ें आपको सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा जो एक प्रिंसिपल है कि लोड कंसिडरेशन, कि लोड किस टाइप का है ले जाते वक्त, ठीक है ना, डिस्टेंस मूवमेंट, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, ले आउट डिजाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ले आउट डिजाइन सही है या नहीं, ठीक है ना, जिसमें कि मिनिमम जो है मिनिमम डिस्टेंस मूव करना हो। इसमें एक बहुत सारे प्रिंसिपल हैं इसके, जो है ना, इसमें एक स्ट्रेट लाइन पाथ आता है, स्ट्रेट लाइन पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट होता है और मूवमेंट इसके ऊपर आसान होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, ग्रेविटी का आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं प्रॉपर, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मैकेनाइजेशन प्रिंसिपल, मैकेनिकल सिस्टम आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपका प्रोडक्ट सेफली एक दूसरे जगह मूव हो रहा है कि नहीं, डैमेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इफेक्टिव है, इफिशियंट है, सेफ है, स्टैंडर्ड जो है तरीका जो है वही आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वे जो होता है, स्टैंडर्ड जो तरीका होता है, दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है ना। कन्वेयर आप यूज कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपर, ठीक है ना, कन्वेयर, ओवरहेड, ये सब आप यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वेदर यू आर जो है एबल टू डिलीवर योर प्रोडक्ट विद इन टाइम, ठीक है ना, ऑन टाइम, ठीक है ना, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑन टाइम जो है आप जो है अपने जो है मटेरियल को ऑन टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मटेरियल की ज़रूरत कल है, ठीक है ना, भाई शादी है किसी की, शादी में घोड़ी चाहिए, तो घोड़ी आप कहीं से डिलीवर करेंगे तो घोड़ी तो भाई शादी के टाइम, अब एक दिन आप बाद पहुँचेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है ना, हर चीज़ का एक मौका होता है, ठीक है ना, बुढ़ारी में फलाहारी थोड़ी मज़ा देता है, तो फलाहारी करने का भी मतलब हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये जो है आज हम लोग पढ़े कुछ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो इसको और आप थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट इज नॉट वेरी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ये था कुल मिलाकर के इंजीनियरिंग, दैट मीन्स की टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स दैट वी हैव टू कंसिडर, कि प्लांट रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होंगे आपके, मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या पॉइंट कंसीडर करने हैं आपको,
ठीक है ना, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रिलेटेड क्या क्या कंसिडर करना है, और इकोनॉमी या कॉस्ट फैक्टर क्या क्या कंसिडर करना है, उसके साथ ही प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग हमने आपको बताए। तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरेटिकल चूंकि पार्ट चल रहा है हमारा, ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है बहुत कम जगह जो है मिलता है कि इतना डिटेल में कोई समझा पाए, इतना डिटेल में जल्दी कोई नहीं समझाता है। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम समझा पाएँ, और शायद समझाने में हम सफल भी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट उसमें जो है वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो होगा हमारा एनिमेटेड वीडियो होगा, जो है इक्विपमेंट्स जो आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है उसको हम जो है कंप्यूटर के थ्रू दिखा पाएँ, एक वीडियो बना पाएँ। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।